हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने बनाया हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च हमारी बहुत मोटी नहीं थी, जो जाड़ों में मिलती है मोटी वाली, हाँ तो उसे थोड़ी पतली थी। तो हमने उसका अचार डाला। हमने मसाले भी सब घर में तैयार किए। ये सूखा साबुत धनिया हमने मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लिया। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब हटा देना है इसको। अब उसके बाद हमने इसमें डाली सौंफ। सौंफ को भी कंटिन्यू चलाना है, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भुना। अब इसका भी देखिए, अब कलर चेंज हो गया। इस तरह से इसको भी हटा देते हैं। अब ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद हमने उसमें डाली पिसी हुई हल्दी, उसको भी इस तरह से भून लिया। ये मसाला तो हमने बहुत सारा तैयार किया है, ये आगे भी अचार में काम आएगा या सब्जी बनाते हैं तो उसमें काम आएगा। तो इस तरह से घर के मसाले की बात ही अलग होती है, ये हमेशा काम भी आता है और इससे अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से हमने हल्दी को भी भून लिया। अब हर जो हरी मिर्च थी हमने इसको धोकर आधा घंटे में हमें सूखा जाता है। इसको धूप तेज़ हो रही थी इस समय, तो आधा घंटे में ही सूख गई थी। फिर हमें डंडे निकाल के इसको चीर कर इसका सारा बीजा निकाल दिया, बिल्कुल खाली कर दी इसको। इस तरह से देखिए बहुत जल्द अचार पड़ जाता है ये, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और घर के बच्चे अचार की तो बात ही अलग है। देखिए सौंफ और धनिया को अब ठंडा हो गया हमारा। अब इसको हमने पीस लिया। हमने इसमें 2 चम्मच निकाला, 2-3 चम्मच। हमने इसमें डाली भुनी हुई पीसी हल्दी 1.5-2 चम्मच। हमने डाला इसमें 1 चम्मच पीसी हुई खटाई और 0.5 चम्मच नमक। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अब इसको अच्छी तरह से डाल लेते हैं। अभी हमें और डालना पड़ेगा सरसों का तेल, क्योंकि हमारा ये सूखा है मसाला, थोड़ा सा गीला हो जाएगा मिर्चों में भरने लायक, तब ठीक रहेगा। अब ये इसमें सारी मिर्चें हमने इस तरह से मसाले की में भर कर रख देते हैं। बहुत टेस्टी अचार था और बहुत मिनटों में पड़ गया था ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका मसाला भी बहुत टेस्टी होता है, खूब खट्टा खट्टा। ये देखिए कितना दिखने में अच्छा लग रहा है ये अचार। थैंक यू।